ऑल यू लवली लेडीज़, वेलकम बैक ऑन आईबा टॉयज इन इंडिया से मैं सौम्या आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग छोटे बच्चों की एक्टिविटी लेकर आई हूँ। मेमोरी कार्ड गेम्स मैं अभी खेल रही हूँ। मेमोरी कार्ड गेम्स इज़ सो क्विक कार्ड गेम, मेमोरी इंप्रूव करने में सबसे हेल्पफुल। ये देख सकते हो आप, इसमें एक मैं कैटेगरी आज जो खेल रही हूँ दैट इज़ वेजिटेबल, और मुझे इसमें करेला दिखता हुआ नज़र आ रहा है। तो एंड सेकेंड कार्ड आई पिक इज़ दिस, इसमें मुझे कैबेज दिख रहा है, पत्ता गोभी। ओके, मैंने रख दिया उस जगह। एंड देन क्विकली मैं दूसरे कार्ड पर गई, मुझे मटर दिख रही है इसमें, एंड इसमें भिंडी दिख रही है। तो इस तरीके से मुझे याद करना पड़ेगा कहाँ कहाँ मुझे क्या दिख रहा है। तो जब भी रिपीट हो एक्टिविटी, इसमें मुझे बीट रूट है, इसमें मुझे टमेटो है, एंड देन इधर मुझे दिख रहा है कॉलीफ्लावर, इधर मुझे दिख रहा है स्पिनच, इधर मुझे दिख रहा है पटेटो, इधर मुझे दिख रहा है टर्निप, इधर कॉलीफ्लावर, एंड कॉलीफ्लावर मैंने यहाँ कहीं देखा था, तो इट शुड बी हियर आई गेस। नो इट इज़ नॉट हियर, बट देन ठीक है, वापस रख देती हूँ। अब दूसरी में सर्च करूँगी। यहाँ मुझे कैबेज दिख गया और यहाँ मुझे कैबेज दिख गया। तो इस तरीके से मैंने ये दो कार्ड्स कलेक्ट कर लूँगी। मेमोरी के वजह से मुझे याद रहा कि कैबेज मैंने यहाँ पे दिखा था। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा मेमोरी कार्ड गेम है। इसमें एक कार्ड में आपको छः छः ऑब्जेक्ट्स दिख जाते हैं अलग अलग कैटेगरी के। यहाँ फ्रूट कैटेगरी दिखेगी, ग्रेट इंडियन इंस्पिरेशनल कैरेक्टर्स दिखेंगे, एनिमल दिखेगा, वेजिटेबल दिखेगा, हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट दिखेगा और व्हीकल दिखेगा। तो ये छः कैटेगरी होती है। गेम खेलने से पहले हमें इन कैटेगरी में से कोई एक कैटेगरी चुननी होती है। ये वन प्लेयर भी खेल सकता है, ये मल्टीप्लेयर्स भी खेल सकते हैं। तो कोई भी एक कैटेगरी चुन के, जैसे मैंने अभी वेजिटेबल चुना था, तो मेरे को वेजिटेबल के बेसिस पे ही गेम खेलना होता है। तो जैसे मुझे अगर कैबेज यहाँ दिखा था और दूसरी जगह मुझे याद रहा कैबेज मैंने कहाँ दिखा था, तो मैं इसको रख लूँगी अलग। तो जिसके पास ज़्यादा कार्ड्स होते हैं तो ही और शी विंस द गेम। और ये मेमोरी के मेमोरी बहुत ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूव करता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग मल्टीप्लेयर कार्ड गेम है। अगर आपको अपने बच्चों की मेमोरी इम्प्रूव करनी है तो दिस इज़ गोइंग टू बी एन अमेजिंग कार्ड गेम। और सबसे अच्छी बात ये भी है, इसमें इंस्पिरेशनल ग्रेट इंडियन कैरेक्टर्स दिख जाते हैं। तो जब भी बच्चे खेलते हैं तो उनके बारे में भी उन्हें बताते जाइए। इसी तरीके से जो जो ऑब्जेक्ट्स भी हैं अलग अलग कैटेगरी के, सबके बारे में बताते जाइए, तो फेमिलियरिटी भी इम्प्रूव होती है। तो दिस वॉज वन कार्ड गेम। मैं आपके लिए आज दो और अलग तरीके के कार्ड गेम्स लाई हूँ। कार्ड गेम्स बहुत फन होते हैं बच्चों के लिए और एक से ज़्यादा बच्चे खेल सकते हैं उन्हें। तो अनदर वन इज़ दिस वेरी इंटरेस्टिंग कैच इट क्विक, आप लोगों को लाइव में दिखाया था, काफ़ी पसंद आया था। तो दिस इज़ कैच इट क्विक। कैच इट क्विक में सिंपली कई तरीके हैं, इसको चार पांच तरीके आपको मैनुअल में ही मिल जाएंगे खेलने के। एक तरीका है कि इसे शफल करो अच्छे से और फिर डिवाइड कर दो पाइल्स में। दो खेल रहे हैं तो दो में डिवाइड करेंगे, तीन खेल रहे हो तीन में डिवाइड करेंगे। सपोज आई डिवाइड इट इन इक्वली इन थ्री, अमंग थ्री प्लेयर्स, और मैंने सेंटर में रख दिया एक कार्ड। हर कार्ड में आठ अलग अलग तरीके के ऑब्जेक्ट्स रहते हैं। नाम है कैच इट क्विक, तो क्विकली कैच करना होता है हर कार्ड में। लुक एट दिस, इनके में भी अभी आठ ऑब्जेक्ट्स दिख जाएंगे, पर एक टाइम पे एक ही कार्ड में कुछ एक चीज़ कॉमन होगी। तो उस बेसिस पर ये जो एक गेम मैं दिखा रही हूँ, इसके चार अलग अलग गेम प्लेज हो जाते हैं, बट दिस इज़ वन गेम। सब प्लेयर्स अपना अपना कार्ड पिक करेंगे और जो भी जल्दी से कॉमन चीज़ आइडेंटिफाई करता है वो रखता जाएगा, और दे हैव टू स्पीक दैट वर्ड। सपोज करो मैं इधर से देख रही हूँ क्या मुझे कॉमन दिख रहा है, दिख पा रहा है जल्दी, तभी तक दूसरा प्लेयर भी दिख रहा है, उसे कॉमन दिख रहा है या किसी को कॉमन दिख रहा है, तो वॉट आई फाइंड कॉमन इस, इसमें जल्दी से मुझे क्राउन मिल गया। आप देख सकते हो इसमें क्राउन कॉमन निकल के आया। तो इस तरीके से कॉमन बोलते से रखना है क्राउन, एंड द प्लेयर विल कीप इट। इसी तरीके से सारे प्लेयर साइमल्टेनियसली इस गेम को खेलते रहेंगे, एंड क्विकली अटेंशन बहुत इंप्रूव होता है इसे। क्विकली वो नाम बोल के जल्दी से रखेंगे, तो जिसका पाइल सबसे ज़्यादा खाली होगा, सबसे जल्दी खाली होगा, जिसका पाइल सबसे जल्दी फिनिश हो जाता है, वो जीत जाता है इस गेम को। अनदर वेरी इंटरेस्टिंग गेम इज़ स्मार्टो फ्लैश। बहुत ही बहुत प्यारा एक बहुत ही ये गेम है, कार्ड गेम है, बहुत ही प्यारा सा गेम है। इसे दो लोग कैसे खेल देते हैं मैं उसका बता देती हूँ। इसमें आपको कलर और शेप और काउंट के बेसिस पे अलग अलग कार्ड्स दिए रहते हैं। जैसे आप इसमें देख सकते हो, इसमें फ्लावर है और वन है और दैट इज़ ग्रीन कलर। इसमें ट्रीज हैं और वो फाइव काउंट है और ग्रीन कलर है अगेन, तो ग्रीन ग्रीन के बेसिस पे ये सिमिलर हैं। और इसमें डायमंड शेप है
फाइव काउंट है, तो कलर पर्पल है, पर तो ये किस बेस पे सिमिलर है, ये काउंट के बेस पे सिमिलर है। तो कार्ड गेम बहुत इंटरेस्टिंग सा होता है, इसके भी चार अलग अलग गेम प्लेज आते हैं, आपको मैनुअल आती है, हर गेम में मैनुअल आती है, और ख़ास तौर से इसके पीछे तो एक स्कैन करके QR कोड में आप जाके देख ही सकते हो कि और कौन कौन से तरीक़ों से ये गेम खेला जा सकता है। तो क्विकली लोकेटेड कि दो प्लेयर इसको कैसे खेलते हैं, सपोज़ बहुत अच्छे से कार्ड शफल कर दिए, उसके बाद में पाइल्स इक्वली डिवाइड कर दी और दो प्लेयर्स के बीच में, और जो फ्रंट के कार्ड्स हैं वो दो मैंने ऐसे रख दिया। अब एक टाइम पे अपनी पाइल से प्लेयर तीन कार्ड्स उठाता है, जैसे मेरे को ये तीन कार्ड्स आए और सामने वाली पार्टी को भी तीन ये कार्ड्स मिल जाते हैं अलग अलग, ठीक है। और यहाँ सामने मुझे येलो और ग्रीन, येलो ग्रीन ग्रीन हट दिख रही है मुझे, येलो फ्लावर दिख रहे हैं, फोर और थ्री काउंट दिख रहा है। अब साइमल्टेनियसली खेलना होता है जल्दी जल्दी से, मुझे कुछ भी सिमिलर दिख रहा है अपने कार्ड्स में से, जैसे हाँ फोर फोर मैं यहाँ रख सकती हूँ, ऐसे ही सिमिलर ये जो प्लेयर है वो भी तुरंत तुरंत में, जैसे ग्रीन ग्रीन भी रख सकता है, थ्री थ्री भी रख सकता है, अगर शेप सेम है तो वो रख सकता है। मैक्सिमम एक टाइम पे थ्री कार्ड्स आपके हाथ में होने चाहिए, और अगर नहीं मैच करता तो आप पायल से उठा के डाल सकते हो, जिसकी पायल सबसे पहले फिनिश होती है वो इस गेम को जीत जाता है। ये एक तरीका बस है गेम खेलने का, और तरीके यू कैन गो फाइंड इन द मैनुअल एज वेल एज इन द वीडियो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द कार्ड गेम्स दैट आई हैड टुडे फॉर योर किड्स। मल्टीप्लेयर एक्टिविटी है, कार्ड गेम्स आर ऑलवेज फन, वो लोग साथ में पार्टिसिपेट करके समर वेकेशंस के लिए, नहीं तो पार्टीज़ के लिए, पिकनिक्स के लिए बहुत बहुत अच्छा गेम है, एक हेल्दी सी इंगेजमेंट, क्योंकि सारी जो एक्टिविटीज़ है स्किल डेवलप कराती रहती है। लाइक लुक एट दिस, ये वाली एक्टिविटी अटेंशन, कोऑर्डिनेशन, कॉन्फिडेंस, फाइन मोटर, इमेजिनेशन, इतनी सारी स्किल्स ये एक्टिविटीज़ डेवलप कराती हैं। तो इन ऑर्डर टू परचेज एनी ऑफ देम 8799576722 इज़ आर नंबर, यू कैन DM us और कॉमेंट में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें। या बाय।